कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। जो मेमोरी के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, वो देखते हैं कैसे सवाल पूछे जाते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर की जो मेमोरी की यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट वो क्या है? बिट। बिट यानी कि या तो जीरो या फिर वन। तो कंप्यूटर जो भी हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, वो सभी क्या करते हैं? बाइनरी नंबर्स का उपयोग करते हैं, उन्हीं को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट आपसे पूछा जाए तो होगी बिट, जीरो या फिर वन। उसके बाद देखिए कंप्यूटर की मेमोरी के टाइप, इन टाइप्स के बारे में आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत सारे सवाल यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले आपकी जो मेमोरी है वो दो टाइप की होती है, प्राइमरी और दूसरा है आपका सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जिनकी कंप्यूटर को आवश्यकता ही आवश्यकता है, यानी कि जो कंप्यूटर है हमारा वो इस मेमोरी के बिना काम नहीं करेगा। पर सेकेंडरी मेमोरी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सेकेंडरी है, यानी कि इनकी हमें सहायता के लिए जरूरत होती है, पर जरूरी नहीं है कि ये हों तभी कंप्यूटर काम करे। तो इनकी इनके बिना भी हमारा कंप्यूटर चल सकता है, पर प्राइमरी मेमोरी वे हैं जिनके बिना कंप्यूटर हमारा नहीं चलेगा। अब सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो इसको हम ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी, या फिर हिंदी में इनको बोल देते हैं सहायक। ठीक है, जो सेकेंडरी है वो ऑक्सिलरी है या फिर सहायक है। जो प्राइमरी है आपकी, उन्हें बोल देते हैं मेन मेमोरी, या फिर हिंदी में आपको बोल देते हैं मुख्य मेमोरी। ठीक है, तो मुख्य हो गई ये, आपकी हो गई सहायक। तो मुख्य मेमोरी में जो आपकी प्राइमरी है, इसके भी आगे दो टाइप हैं, रैम और रोम। ठीक है, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि रैम की फुल फॉर्म क्या है, आपसे पूछ लेते हैं, या फिर ये पूछ लेते हैं कि रैम की फुल फॉर्म क्या है, रोम की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, दूसरा इन्हें कैसी मेमोरी कहा जाता है, इसके ऊपर भी सवाल बनते हैं। तो रैम जो है आपकी, उसे रीड राइट मेमोरी बोलते हैं, रीड राइट मेमोरी। क्यों? क्योंकि सीपीयू रैम के अंदर से डाटा रीड भी कर सकता है और इस मेमोरी के अंदर डाटा राइट भी कर सकता है, पर जो रोम है इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसको ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि सीपीयू सिर्फ इससे डाटा रीड कर सकता है, इसमें डाटा राइट नहीं कर सकता। दूसरा, इसे नॉन वोलेटाइल कहा जाता है, नॉन वी, नॉन वोलेटाइल। इसका अर्थ ये है कि इस मेमोरी के अंदर डाटा, हमारे जब कंप्यूटर ऑफ होता है या ऑन होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर डाटा रहता ही रहता है, स्टोर रहता है। पर जो रैम है उसे वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। वोलेटाइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वोलेटाइल का मीनिंग है कुछ कुछ ऐसा सा कि वाष्प हो जाना या फिर उड़ जाना। तो इस मेमोरी में क्या होता है कि जब हमारा कंप्यूटर चल रहा होता है तभी सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जो भी प्रोसेसिंग का काम है, सारा रैम में हो रहा होता है। पर जैसे ही कंप्यूटर हमारा शटडाउन होगा, ऑफ होगा, तो ये मेमोरी एम्प्टी हो जाती है, खाली हो जाती है, इसमें डाटा नहीं रहता। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि वोलेटाइल कौन सी है इनमें से, तो रैम है, या फिर रीड राइट कौन सी है, तो रैम है। आपसे पूछा जाए नॉन वोलेटाइल कौन सी है, रोम है, या फिर पूछा जाए कि सीपीयू किस मेमोरी से डाटा सिर्फ रीड कर सकता है राइट नहीं कर सकता, तो वो आपकी रोम है। ठीक है, इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि आपके आगे रैम के कितने टाइप हैं। दो टाइप होते हैं, एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि एस रैम में एस क्या है या डी रैम में डी क्या है, तो फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। एस रैम क्या होता है? आपका स्टैटिक रैम। ठीक है, डी होता है आपका डायनेमिक रैम। दूसरा, इनके बारे में अंतर भी पूछ लेते हैं, इनके अंदर कुछ छोटे मोटे ऐसे अंतर हैं। वैसे तो रैम के ही पार्ट है दोनों, पर इनमें फिर भी अंतर है, तो उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपकी जो एस रैम है, वो एस रैम आपकी नंबर एक फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है, फ्लिप फ्लॉप्स की बनी होती है। इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो जीरो वन की फॉर्म में होता है और इस मेमोरी को बार बार नो रिफ्रेश, यानी कि इसको बार बार रिफ्रेश करना नहीं पड़ता। ठीक है,
और इसका उदाहरण आपसे पूछा जाए तो है कैशे मेमोरी। ये मेमोरी सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होती है, तो उस मेमोरी को बनाने में एसरैम का ही उपयोग होता है। या फिर आप बोल सकते हो कि एसरैम का आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी एसरैम है, तो कैश मेमोरी आपकी एसरैम होती है। डीरैम एसरैम से अलग है, क्यों? क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप्स की बनी है, तो ये ट्रांजिस्टर्स व कैपेसिटर्स की बनी है, ये ट्रांजिस्टर व कैपेसिटर्स की बनी होती है। अगर ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर आएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे जो डाटा स्टोर होगा वो किसकी फॉर्म में होगा? चार्ज की फॉर्म में होगा। चार्ज यानी कि आप बोल सकते हो समझने के लिए करंट, जैसे कि 0 वोल्ट, 5 वोल्ट। यहाँ पे क्या आपका डायरेक्ट 0 है या फिर 1 है? 0 का मीनिंग अगर इस रैम में देखा जाए तो 0 वोल्ट, यानी कि करंट वहां पे अगर नहीं है, उस ब्लॉक में करंट नहीं है, तो डेटा स्टोर है 0, और करंट है तो जैसे कि 5 वोल्ट अगर आपका स्टोर है तो, ठीक है, ऐसे शो करता है। तीसरा जो डिफरेंस है, इसके लिए नाम दिया मिलेगा आपको पीरियोडिकली रिफ्रेश। ये नाम आप ध्यान देना इस पे, पीरियोडिकली रिफ्रेश। पीरियोडिकली मतलब टाइम टू टाइम, एक समय अंतराल पे इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो अब सवाल यहाँ पे कैसे बनते हैं कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? तो डीरैम। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें डाटा डायरेक्ट 0 1 की फॉर्म में से होता है? तो वो आपकी फ्लिप फ्लॉप्स। या कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करना नहीं पड़ता, ठीक है, तो वो भी आपकी कौन सी हो गई? एसरैम। तो यहाँ पे पीरियोडिकली स्टोर होगा आपका डाटा। ये एसरैम और डीरैम में अंतर है। एक ये भी पूछा जा सकता है कि एसरैम और डीरैम में से फास्ट कौन सी है? तो एसरैम और डीरैम में से एसरैम फास्ट होती है आपकी, ठीक है, एसरैम तेज होती है। दूसरा, अगर आपसे खर्चा पूछा जाए कि महंगी कौन सी है, सस्ती कौन सी है, तो एसरैम जो है आपकी कॉस्टली भी होती है, यानी कि एसरैम डीरैम से फास्ट भी होती है और महंगी भी होती है। या फिर आपसे पूछा जाए कि जैसे कि एसरैम क्या है, जो कैश मेमोरी है वो एक एसरैम से ही बनी है, ठीक है, ऐसे ही डीरैम क्या है, तो इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो नाम दिया मिलेगा आपको डीडीआर रैम। हो सकता है इस सवाल में आपसे पूछ ले कि DDR RAM में R क्या है या DDR क्या है, तो DDR होता है डबल डाटा रेट, डबल डाटा रेट, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हमारे कंप्यूटर और मोबाइल में होती है वो हमारी DDR RAM होती है। जैसा कि हम बोलते भी हैं जब कंप्यूटर खरीदते हैं कि DDR RAM इसमें 4 होगी, 3 होगी, लेटेस्ट वर्जन 4 चल रहा है अभी आपका, ठीक है। और SRAM जो होती है कैश मेमोरी की तरह यूज करते हैं, तो कैश मेमोरी हमारे सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होती है। तो जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो हमें यह बताया जाता है कि आपका ये प्रोसेसर है, इतने मेगाहर्ट्ज का है, इतनी इसमें कैश मेमोरी है, तो वो हमारी एसरैम होती है, ठीक है। उसके बाद ये तो था आपका प्राइमरी के रैम के ऊपर। अगर पूछ लिया जाए आपसे रोम के ऊपर, तो रोम के ऊपर आपको याद रखना है कि इसकी 3 टाइप होती है। जैसे कि सबसे पहले पी रोम। पी रोम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। दूसरा होता है इप्रोम। इसकी फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल, वही सेम, रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद तीसरी टाइप है इसकी डबल इप्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसमें नाम आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिकली। अब जो आपको ध्यान रखना है वो आपसे पूछा जाए कि ऐसी इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसको एक ही बार यूज किया जाता है, उसके बाद उसमें अपडेट या अपग्रेड कुछ भी नहीं किया जाता, तो वो आपकी पी रोम, यानी कि इसको आप यूज एंड थ्रो टाइप समझो। एक बार हम इसको यूज कर लेते हैं, पर अगर हमें इसमें कुछ चेंज करना है या इसमें कुछ अपडेट करना है तो इसमें नहीं हो पाता था। इसी वजह से क्या होता था कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज बढ़ती थी। उसको कम करने के लिए कॉन्सेप्ट लेके आए इप्रोम का। इप्रोम में क्या होता है कि इसको हम इरेज कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते, पर जो कंपनी जो है बनाती है रोम, वो इसको इरेज कर सकती है और इसको दोबारा से रीयूज कर सकती है दोबारा से,
ठीक है। तो पर जो इसमें डाटा इरेज होगा वो करने का तरीका क्या होता है कि इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज, और इसमें किसका यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इरेज किया जाता है, तो वो तो है आपकी डबल ईप्रोम। या पूछा जाए कि ऐसी कौन सी मेमोरी है इनमें से जिसे अल्ट्रा वायलेट रेज की हेल्प से इरेज किया जाए, तो वो है आपकी ईप्रोम। ये आपको ध्यान रखना है, अल्ट्रा वायलेट रेज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यूज एंड थ्रो होगी आपकी पीरोम। तो ये तो थे आपके टाइप प्राइमरी के। रैम, रैम के भी दो टाइप, एस रैम और डी रैम, ठीक है। और रोम के तीन टाइप हैं, इन्हीं पे घुमा फिरा के कई सारे तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि सेकेंडरी मेमोरी में कि इनमें से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकेंडरी मेमोरी में देखिए, सबसे पहले मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, ये कुछ हमारी वैसी होती थी जैसे हमारी रेडियो की कैसेट होती है, वीसीआर की कैसेट आपने देखी होंगी, वैसे सी होती थी। कंप्यूटर में भी उपयोग ऐसे उनमें कि ये रिंग सी होती थी, सर्कल सा, और फिर ये आपकी जो टेप होती थी ये इनके बाहर से घूमती थी, ये पहिए घूमते थे और ये टेप घूमती थी। तो जब भी, और एक यहाँ पे होता था आपका हेड जो रीड करता था, आपका रीड राइट हेड, यानी डाटा रीड और राइट करना, तो वो इस टेप पे ऐसे करता था। इस मेमोरी को सीक्वेंशियल मेमोरी बोला जाता था, सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल मेमोरी। क्यों? क्योंकि इसमें जितना भी डेटा हम रीड और राइट करेंगे वो एक सीक्वेंस में होगा। सपोज करो कि यहाँ पे कुछ डेटा रखा है, यहाँ पे उसको अगर सीपीयू को रीड करना है तो पहले इसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ये घूम फिर के यहाँ तक आएगा तभी उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे इस वजह से। या कहीं खाली जगह देख के राइट करना है तो वो भी फिर ढूंढनी पड़ती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल, ठीक है, सीक्वेंशियल एक्सेस। पर इससे क्या होता था कि ये मेमोरी आपकी बहुत ज़्यादा क्या थी, स्लो थी, इस वजह से जो स्पीड है रीड राइट की वो स्लो हो जाती थी। इसी को, इस कमी को दूर करने के लिए लेके आए एफ डी डी, ठीक है। एफ डी डी तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जिसके अंदर फ्लॉपी डाली जाती है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि इसके बाद क्या लेके आए, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क कुछ कुछ ऐसी होती है, दिखने में तो रेक्टेंगल होती है, एक बॉक्स होता है, ठीक है, पर उसके अंदर एक ऐसे सर्कल होता है, ठीक है, और वो घूमता है, उसी के ऊपर एक हेड लगा होता है, रीड राइट हेड बोलते हैं इसको। वो जब ये घूमती है ऐसे तो वो घूम के ही उस पर वो घूमती रहती है और डाटा इस पर रीड होता राइट रहता है। जैसे कि आपने सीडी देखी हो तो कभी आपने देखा हो कि सीडी घूम घूम के चलती है और हेड उसके ऊपर लगा होता है, वो उसको रीड करता है या फिर राइट करता है। तो वैसा सा ही कुछ फ्लॉपी में होता था, ये बाहर से नहीं दिखता था, ठीक है। पर जो फ्लॉपी होती थी उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत कम होती थी, लगभग हम मान सकते हैं कि 3 MB के आसपास होती थी, पर ये कैपेसिटी कम थी, इसी वजह से कुछ ना कुछ नया लेके आने की जरूरत पड़ी। फिर लेके आए सीडी डीवीडी, ठीक है, पहले सीडी आई फिर डीवीडी आई, और उसके बाद सीडी आर, डीवीडी आर, फिर आई आपकी सीडी आर डब्ल्यू और सीडी डीवीडी आर डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सवाल कैसे बनते हैं, एक तो यही होगा कि स्टोरेज, स्टोरेज अब क्या है कि इनसे ज़्यादा है, सीडी के अंदर फ्लॉपी से बहुत ज़्यादा स्टोरेज है। क्यों? क्योंकि सीडी के अंदर लगभग 700 MB के आसपास डेटा स्टोर होता है, ये इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। डीवीडी के अंदर लगभग 4.7 GB डेटा स्टोर होता है, गीगाबाइट्स, ठीक है। तो ये स्टोरेज इसकी ज़्यादा थी इसलिए फ्लॉपी का यूज़ कम हो गया और सीडी डीवीडी का यूज़ ज़्यादा शुरू हो गया, क्योंकि इनमें स्टोरेज ज़्यादा थी और खर्चा इनमें कम था, ये सस्ती पड़ती थी ये महंगी पड़ती थी। पर क्या होता था कि जब सीडी लेके आए शुरू में, पहली बात तो यहाँ पे ये देखिए सीडी का आपसे पूछ ले क्या होता है सीडी फुल फॉर्म, तो कॉम्पैक्ट डिस्क
कॉम्पैक्ट डिस्क। और ये ऐसी सीडी होती थी जिनमें एक बार डाटा राइट कर दिया जाता था, फिर हम उसके बाद उसको सिर्फ रीड करते थे, डाटा को मतलब देखते थे सिर्फ, दोबारा से उस सीडी में हम कुछ नहीं करते थे। तो वही दिक्कत आई रीयूज वाली। तो उस चीज़ को, इस कमी को दूर करने के लिए कि भी सिर्फ रीड कर सकते हैं, हम लेके आए फिर सीडीआर। आर का मतलब यहाँ पे क्या है, रिकॉर्डेबल। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा सवाल पूछे गए हैं कि सीडीआर में आर क्या है, आर रिकॉर्डेबल। तो ये ऐसी सीडी थी कि जिनमें इनमें सिर्फ डाटा लिख सकते थे एक बार और बाकी रीड करते थे कई बार, पर इसमें क्या था कि रीड भी कर सकते थे और फिर से इसमें दोबारा अगर हमें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, यानी कि इस सीडी को दोबारा से रीयूज़ करने की ज़रूरत है, तो हम कर सकते थे, ठीक है। पर ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, 5 या 10 बार ही इसको दोबारा से राइट कर सकते हैं, उसके बाद ये ख़राब होना शुरू हो जाती है। फिर लेके आए डीवीडी, ठीक है। तो डीवीडी में अगर आपसे पूछा जाए कि डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले तो इसकी होती है दो फुल फॉर्म, एक होती है डिजिटल वीडियो डिस्क और एक होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, दो इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखना है। अगर दोनों एक साथ आ तो सकती नहीं है पहली बात तो, ठीक है, फिर भी अगर बाय चांस आ भी जाएं तो आप इस पे ज़्यादा फोकस करना, वर्सेटाइल पे, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब आपसे पूछा जाए जो सिंपल सीडी डीवीडी, जो सिंपल डीवीडी है, ये भी कैसी थी? ऐसी ही थी कि जिसमें एक बार डाटा रिकॉर्ड कर सकते थे, दोबारा सिर्फ रीड ही कर सकते थे। तो उसके बाद डीवीडी आर आई, तो आप समझ रहे हो रिकॉर्डेबल, इसका मीनिंग क्या है कि इस डीवीडी में फिर से डाटा दोबारा से राइट किया जा सकता था। फिर आई आपकी रीराइटेबल, ठीक है, यानी रिकॉर्डेबल में तो क्या है, सिर्फ एक बार डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आरडब्ल्यू में क्या है, आरडब्ल्यू क्या है आपका, रीराइटेबल, ठीक है। तो सीडीआर डीवीडीआर में एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, और सीडीआरडब्ल्यू और डीवीडीआरडब्ल्यू में क्या होता है कि दोबारा से इनको राइट भी कर सकते हैं, इनमें डाटा राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए सीधा सीडी या डीवीडी या सीडीआर या डीवीडीआर, एक ही बात है, जिनको सिर्फ एक बार रिकॉर्ड किया जा सकता है। सीडीआरडब्ल्यू डीवीडीआरडब्ल्यू ऐसी जिनको बार बार रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन कितनी बार, 10 या 11 बार 12 बार, उसके बाद ये ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी स्टोरेज के बारे में याद रखना है। और ये भी वैसे ही होती है, राउंड ही होती है, घूमती है जब भी डाटा इस पे रीड राइट होता है, ठीक है। उसके बाद ये तो होगी आपकी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सीडी और डीवीडी। इसके बाद आई आपकी एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव में कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो कि एसएसडी की फुल फॉर्म क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हार्ड डिस्क पे कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, सबसे पहले तो आप इसको एक हार्ड डिस्क मानिए, ठीक है, ये आपकी हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क को डिवाइड किया जाता है ट्रैक्स में, ये सारे क्या हैं, ट्रैक्स, इनको बोलते हैं ट्रैक। हार्ड डिस्क को सबसे पहले डिवाइड किया जाता है ट्रैक्स में, फिर उसके बाद इन ट्रैक्स को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स में, इन ब्लॉक्स को बोलते हैं सेक्टर। सबसे पहले हमने इसको डिवाइड किया ट्रैक्स में, जो राउंड राउंड है आपके, ठीक है, उसके बाद उनको आगे हमने डिवाइड किया ब्लॉक्स में, जिसे बोलते हैं सेक्टर। तो आपसे पूछा जाए कि ट्रैक क्या होता है, तो ये राउंड में जो भी कट किया हुआ आपने, इसको डिवाइड किया, आप इसको बोलते हैं पार्टीशन करना, आपने पार्टीशन किया हुआ है इस डिस्क का, तो इसको तो बोलते हैं ट्रैक्स में बांटना, फिर आगे ब्लॉक्स में बांट दिया तो सेक्टर्स में। तो छोटी यूनिट आपसे पूछा जाए कि हार्ड डिस्क में छोटी यूनिट आपकी क्या होती है, जिसमें डेटा स्टोर होता है, वो होती है सेक्टर, ठीक है। अगर ऐसा कोई सेक्टर है जहां पे हमारा क्या रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसे बोलते हैं बूट सेक्टर। आपसे पूछा जाए कि बूट सेक्टर क्या होता है, तो हार्ड डिस्क के अंदर ऐसा सेक्टर या फिर ऐसा ब्लॉक मेमोरी का जहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रखा है, और जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो यहीं से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना शुरू होता है, तो ये होता है आपका बूट सेक्टर।
एक यहां पे आपसे पूछा जा सकता है टाइम के बारे में, एक तो कि स्पीड, इसकी जो स्पीड होती है वो होती है आरपीएम, ठीक है, रोटेशन पर मिनट। और आपसे पूछा जाए कि सीक टाइम क्या होता है, तो सीक टाइम होता है कि मान लो हमारा हेड यहां पे है, रीड राइट हेड यहाँ पे है स्टार्टिंग में, और डेटा यहाँ पे कुछ रखा है वो रीड करना है, तो सबसे पहले उस ट्रैक पे जाना पड़ेगा, यानी जब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, उसे बोलते हैं सीक टाइम, यानी कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाने में लगा समय आपका, ठीक है, वो हो गया सीक टाइम। एक होता है आपका रोटेशन टाइम, आपसे पूछा जाए कि रोटेशन टाइम क्या होता है हार्ड डिस्क में, तो रोटेशन टाइम होता है कि जब आप इस ट्रैक पे तो पहुंच गए हो, पर आपको उस सेक्टर पे भी पहुंचना है, तो जब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे जाएगा, यानी कि मान लो कि आपका हेड यहाँ पहुंच गया पर डाटा आपका यहाँ पे रखा है, तो इस सेक्टर तक भी उसको आना पड़ेगा, ये भी घूमेगी तब तक, तो यानी कि सेक्टर से सेक्टर, ये तो क्या था आपका ट्रैक से ट्रैक पे जाने में समय जो लगा, और अगर पूछा जाए कि सेक्टर से सेक्टर पे जाने में, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे जाने में जो टाइम लगेगा उसे बोलेंगे रोटेशन टाइम, ठीक है। सबसे पहले हम ट्रैक पे आए, फिर उस सेक्टर पे आए, अब उस सेक्टर पे आने के बाद हमें या तो डाटा रीड करना है या फिर डाटा राइट करना है, उसे बोलते हैं डाटा ट्रांसफर, ठीक है, उसे बोलते हैं डाटा ट्रांसफर। तो उसमें जो समय लगेगा उसे बोलेंगे डाटा ट्रांसफर टाइम, चाहे वो आप आपने रीड करने में टाइम लगाया हो, चाहे वो राइट करने में टाइम लगाया हो, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि डिस्क एक्सेस टाइम क्या है, डिस्क एक्सेस टाइम, तो वो क्या होगा कि जितना आपका सीक टाइम लगा, ठीक है, ट्रैक से ट्रैक पे जाने में टाइम लगा, प्लस जितना आपका रोटेशन में टाइम लगा कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे जाने में, प्लस जितना आपको ट्रांसफर करने में टाइम लगा, डेटा को ट्रांसफर करने में टाइम लगा, यानी कि ट्रांसफर टाइम, इसको बोल देंगे ट्रांसफर टाइम। इन सब का जो जोड़ होगा उसे बोलेंगे डिस्क एक्सेस टाइम। तो हार्ड डिस्क के बारे में आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि हार्ड डिस्क की फुल फॉर्म होगी SSD की, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, स्पीड रोटेशन पर मिनट, सीक टाइम क्या होता है इसमें, रोटेशन टाइम क्या होता है, ठीक है, रोटेशन टाइम भी बोल सकते हैं इसको, या फिर रोटेशन डिले भी बोल देते हैं क्या होता है, ठीक है। उसके बाद टोटल डिस्क एक्सेस टाइम भी हो सकता है आपसे पूछ ले कि किसी भी डिस्क को एक्सेस करने में जो टाइम लगा टोटल इसको वो कितना होता है, तो वो ये सब का जोड़ होता है सीक टाइम, रोटेशन टाइम और ट्रांसफर टाइम, ठीक है। इसके अलावा बूट सेक्टर क्या होता है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है हार्ड डिस्क के बारे में आपसे, तो ये आपको ध्यान रखना है हार्ड डिस्क के ऊपर। उसके बाद इसके अलावा भी सेकेंडरी मेमोरी होती है आपकी, जैसे कि एक होती है फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी में आपके आते हैं जितने भी आपके मेमोरी कार्ड्स हैं, ठीक है। ज़्यादातर फ्लैश मेमोरी का यूज़ होता है पोर्टेबल चीज़ों में, जैसे कि आपके लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप्स में हार्ड डिस्क भी यूज़ होती हैं, पर साथ ही साथ कुछ लैपटॉप ऐसे भी होते हैं जिनमें मेमोरी कार्ड भी यूज़ होते हैं, आपके डिजिटल कैमरे हैं, मोबाइल्स हैं, सब में आपकी कौन सी मेमोरी यूज़ होती है, फ्लैश मेमोरी, ठीक है। तो हार्ड डिस्क के बाद आपकी फ्लैश मेमोरी, उसके बाद एक मेमोरी और होती है SSD, जो अभी आई है, ज़्यादा यूज़ होने लगी है अभी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। ये मेमोरी जो है ये हार्ड डिस्क से फास्ट होती है, दिखने में हार्ड डिस्क की है और हार्ड डिस्क इसको बोल देते हैं, पर इसे बोलते हैं SSD, वैसे नाम इसका SSD होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब जो आपकी हार्ड डिस्क है उससे ये फास्ट है, इसी वजह से क्या किया कि अभी जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं, लैपटॉप्स आ रहे हैं आपके, उनमें SSD और SSD दोनों एक साथ आ रही हैं। उसका कारण ये है कि जो SSD है वो थोड़ी सी महंगी है HDD से, ठीक है, इस वजह से ये दोनों एक साथ यूज़ हो रही हैं।
इसका ज्यादातर यूज हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए, ताकि क्या हो कि जब आपका कंप्यूटर चले तो आपकी बूटिंग और जितने भी सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग है, यानी जितने भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो वो प्रोसेसिंग जो है वो दोनों क्या हो, फास्ट हो, एसएसडी के अंदर फास्ट होती है, इसलिए इसको यूज कर रहे हैं। पर क्या होगा कि जैसे धीरे धीरे टाइम इसकी डिमांड ज़्यादा होने लगी है तो कॉस्ट भी कम होगी, जब इन दोनों की बराबर आ जाएंगी तो ज़्यादा यूज़ इसका होने लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सवाल इस पे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये तो आपकी कोर मेमोरी होती है, ठीक है, दूसरा ये राउंड में होती है, स्पीड यूनिट इसकी आरपीएम होती है, पर एसएसडी अलग है। एसएसडी क्या होती है, एसएसडी आपकी सेमी कंडक्टर चिप होती है, सेमी कंडक्टर चिप। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा सवाल पूछा गया है कि एसएसडी क्या है, ऑप्शन में है एक सेमी कंडक्टर चिप। तो ये एक चिप होती है जिसे हम एज ए हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी इसको यूज़ कर रहे हैं। चिप है इसीलिए फास्ट है क्योंकि हार्ड डिस्क में तो क्या आपके ट्रैक्स हैं, सेक्टर्स हैं, उनमें जाने में बहुत समय लगता है, पर चिप में तो क्या होता है कि चिप को तो हम डायरेक्ट जो ब्लॉक्स होते हैं मेमोरी के, उनका डायरेक्ट एड्रेस होता है सीपीयू के पास, ठीक है, डायरेक्ट एड्रेस होता है, तो जहाँ से भी उसको डाटा चाहिए होता है वो डायरेक्ट उस एड्रेस पे जाके उस डाटा को ले सकता है, तो इससे इसकी स्पीड फास्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरा, इसकी जो स्पीड होगी वो आपकी बाइट्स में होगी, ठीक है, पर इसकी किस में है, रोटेशन में, कितनी रोटेशन हो रही है, इसमें तो रोटेशन का कोई लॉजिक ही नहीं है क्योंकि ये तो चिप है, रोटेशन इसमें कुछ नहीं है, तो इसकी जो स्पीड होगी वो किस में होगी, बाइट्स में, ठीक है, और इसकी स्पीड किस में है, आरपीएम में। तो ये भी एक इन दोनों में अंतर है। तो ये तो है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज और भी पूछी जाती है कई बार कि जो आपका सीडी रोम है या डीवीडी रोम है वो किस प्रकार की मेमोरी में आता है, ठीक है, सीडी रोम या फिर डीवीडी रोम ये किस प्रकार की मेमोरी में आता है। तो रोम से तो क्या है, फुल फॉर्म तो वही है, रीड ओनली मेमोरी, रोम तो वही है आपका, रीड ओनली मेमोरी, पर ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा मत करना कि आप रोम देखो और समझ लो कि रोम तो प्राइमरी मेमोरी होती है, ये वो नहीं है। सी डी रोम या डी वी डी रोम ये किस लिए यूज होता है, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, SW का मतलब हार्डवेयर, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसके अंदर सी डी डाली जाती है या डी वी डी डाली जाती है, उसी से डाटा रीड किया जाता है, ठीक है। तो सी डी डी वी डी और सी डी रोम ये एक अलग चीज़ है, ठीक है, और रोम का मतलब यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी नहीं है, ये आपका सेकेंडरी में ही आएगा। इसका दूसरा नाम है ऑक्सिलरी, ठीक है। तो ऑक्सिलरी भी कई बार पूछा जाता है कि जो सी डी रोम है या डी वी डी रोम है कैसी है, ऑप्शन में आपको मिलेगा ऑक्सिलरी मेमोरी। तो ये तो था आपका प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर, आगे देखेंगे आगे के वीडियोस में कंप्यूटर के जो और भी मुख्य विषय हैं उनके बारे में। धन्यवाद।